फ्रेंड्स हाय, माय नेम इज रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? प्रखर। पहले प्रखर की स्टोरी समझो, बड़ी कॉमेडी, बड़ी स्टोरी है। पहले तुम आए थे, कहाँ पर मिले थे मुझसे? सर मैंने आपको मतलब YouTube पे ही मैं देख रहा था। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर तुमने जो चॉइस फिलिंग की, तुम्हें फर्स्ट राउंड में तुमने पूछा था, क्या बताया तुम्हें? सर आपने जो मतलब बताई, थोड़ा तेज बोलो यार, मतलब लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट। हाँ, मैं जो आपने चॉइस फिलिंग बताई थी उसी मैंने कर दी थी। अच्छा, और जो मतलब आपने प्रेडिक्ट किया था डेफिनेटली वही मुझे कॉलेज मिला, मतलब सती मिला। हाँ, तो अब क्या प्लान है फिर, क्या तुमने सोचा था और क्या स्टोरी हुई इस दरमियान? मैं ये चाह रहा था कि आपसे एक बार सजेशन मिल जाए कि क्या बेटर रहेगा मेरे लिए। अच्छा, सजेशन सुनो कैसा, मतलब ये गए हुए थे ग्वालियर, ग्वालियर क्यों गए थे? एक्चुअली सर ग्वालियर मैं अपने दोस्त के पास निकल रहा था, क्यों ग्वालियर कॉलेज देखते हैं सर अच्छा लगेगा, मतलब तो फिर राउंड टू के लिए रिस्क लेंगे, फिर यहाँ गोबी दिशा में नहीं तो ले लेंगे एडमिशन अगले दिन आके। तो मैं दमो से बीना तक पहुंचा, मैं दमो रहता हूँ, तो फिर मैं बीना तक सर पहुंचा, उसके बाद सर मेरा मतलब माइंड स्विच हुआ कि पहले सर की सजेशन की पहले जरूरत मुझे। तो भाई साहब टिकट था ग्वालियर का, है ना? टिकट ग्वालियर का लिया था मैंने, और तुम आ गई है भोपाल, टिकट मतलब विदाउट टिकट था। तो मतलब दो दो तीन तीन ट्रेन चेंज करके फाइनली अभी शाम को 5 बज गए, अब आ रहा है ये बंदा, राइट? अब जाओगे कैसे? मिल जाएगी। चलो तो अब इनकी जो क्वायरी, आप बताओ अपनी क्वायरी क्या है तुम्हारी? सर जो मेरी रैंक है वो सर 3,76,000। ठीक है, 3,76,000। किस कैटेगरी के हो? जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, मतलब ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। इसके अलावा एमपी के हो, है ना? डोमिसाइल है, बिल्कुल सर। अब तुम्हें यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में किया था, इससे पहले हम एक बार तुम्हें देखते हैं, रोल नंबर याद है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, तो रोल नंबर देख लेते। अच्छा, ये सीयूटी का आया, तो सीयूटी का एक अलग चैनल हम ला रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, मास साहब के नाम से, मास साहब बाय स्टूडेंट का भी। क्या हम देख रहे थे आपका रोल नंबर? चलिए तो रोल नंबर पहले इनका देखते हैं। चलो बताओ। 22 02 03 100 76 882। ये चॉइस फिलिंग तुमने की हुई है? दो बार की थी क्या? एडिट क्यों की इसको? एडिट नहीं सर, फर्स्ट राउंड में की थी बस, उसके बाद खाली। अच्छा, अपग्रेड में किया था, मतलब दो बार अप्लाई कर दिया, राइट? अप्लाई कर दिया था। चलो, तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग आपने की हुई है, कैसे पता चला था इस तारी ये सारी चॉइस फिलिंग करना है? बस आपकी वीडियोस देखी, वीडियो देख देख के सारी चीजें कर रहे हो। चलो अभी यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मिला था माधव का ईआईओटी, कौन से पोजीशन पे? 60, बहुत नीचे भरा मैंने, मतलब सब भर दिए थे, अच्छा 60 नंबर का मिला है, डबल ईआईओटी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इस रैंक पर तो बहुत सारे बेटर मिल सकते हैं, लेकिन बशर्ते अगर तुम्हें CSIT नहीं चाहिए, जैसे तुमने यहाँ पर EIIT लिया है ना, तो ये तुम्हें अभी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं माधव में। माधव में तुम्हें इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा, मैकेनिकल भी मिल जाएगा, सिविल भी मिल जाएगा, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल भी मिल जाएगा, पेट्रोकेमिकल भी मिल जाएगा, पेट्रोकेमिकल है ही नहीं, सॉरी केमिकल। ये इनमें से कोई चाहिए? नहीं चाहिए, चलो हटाते हैं। तो अभी ये वाले ख़त्म हो गए, अब हम बात करते हैं RGPV की। RGPV में आपको ऑटो मिल जाएगा और पेट्रो मिल जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। चलो इसके बाद हम माधव की अगर हम बात माने, तो एक है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यस सर, ये चलेगी? MSc सोच सकता हूं, सोच सकते हो? चलो मतलब श्योर नहीं हो, कंप्यूटिंग ये आपको चल जाएगी, जी सर। तीसरा कहाँ पर दमो रहते हो? तो बीना बीच में पड़ता है, हाँ, बीना जंक्शन है, वहां से मैंने। तो तुम कंफर्ट हो विदिशा में पढ़ने के लिए? मैं विदिशा में भी कंफर्टेबल हूं, और कहीं और में शायद कोई इशू नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस भी चलेंगे?
देखो इस, हाँ ठीक है, तो मैं अगर आपको इसमें क्या कर सकते हो, HGSITS बोल रहा हूँ, सती की आईटी चलेगी आपको, है ना, तो इसी रैंक पर आपको सती की आईटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर आप ये ब्रांचेस चाहते हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट रिपोर्ट कर देना इसी ब्रांच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, राइट। अगर आपको ऐसा चाहिए, बाकी सती का थोड़ा सा मैं पर्सनली इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मैनेजमेंट सही नहीं लगता है उसका, प्लेसमेंट लाने में, दूसरी चीज़ों में, मतलब लेट लतीफ़ी भी है और प्लस कोई लेना देना नहीं है, सो यही एक रीज़न है, राइट, इसलिए उसको हम प्रेफर नहीं करते। अब आपको हम पहले कॉलेज देखते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है, राइट, उनमें क्या क्या मिल सकता है। आपने एक जबलपुर का डाला है, इसमें मैक्रोटोनिक ब्रांच है, ये भी आपको मिल जाएगी, मैक्रोटोनिक ब्रांच है ये आपको, हाँ अगर आपको ये चाहिए जबलपुर की, तो आप बस बताते जाइएगा, फिर मैं उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा। चलो फोन आ रहा है, उसको डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। माधव में आपने डाला है ईसी, चलो ये नहीं मिलेगी, एक है, हाँ बताइए, CSIT वाला थोड़ा मैं सेक्टर था, हाँ ये मिल जाते, कहीं भी मिल जाते, चल जाता। अच्छा, फिर वो अपना खुद से कोडिंग सोडिंग करके, वो करके आप कर लोगे। मैं भी काफी ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वॉल्व हूं, हां, और कर रहा हूं, और सही तो रिजल्ट ऐसा बिगड़ गया, थी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, हां, कोटा में था, एकदम शिफ्ट किया मैंने, मतलब मैं 3 महीने के 4 महीने के लिए रैपिड कोर्स के लिए गया था, नहीं इसमें अब समझ गया हूँ, तो मतलब इससे रिलेटेड फिर ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अभी तुम्हें इस रैंक पर ना, अगर हम टॉप कॉलेजेस से बात करें, HGSITS नहीं मिलना है, DAV भी नहीं मिलना है, CLC में भी जाओगे कोई मतलब नहीं है, JEC नहीं मिलना है, CSIT अगर चाहिए, MITS की तुम्हें CSIT से रिलेटेड ब्रांचेस मिल सकती हैं, राइट। तो तुम यहाँ पर अगर CSIT से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो तुम्हें IT की IoT, राइट, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, चलो इसको हम ये भी बता देते हैं तुम्हें, चलो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे HGSITS का कट ऑफ, तभी हम इसको छोड़ दें, क्योंकि HGSITS में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही होगी, EL ब्रांच, इंडिया बायोमेडिकल इंडियन लैंग्वेज, सो एक वो ब्रांच है, सिर्फ वो मिलेगी। देखो उसका कट ऑफ कितना गया हुआ है, BEIL 800,000 कट ऑफ गया हुआ है इसका, राइट। सो ये मेरा ब्रांच है, इतना इतना समथिंग जाएगा। एक और मैंने वीडियो बनाई थी LNCT पे, और मैंने बनाया था उसमें कि 2-2 लाख रैंक जाएगी, किस कैटेगरी की, अच्छा तो चलो मैंने OBC का भी बताया था कि 2 लाख उसमें प्लस रैंक जाएगी। और देखो अभी भी अगर आपकी वो रैंक है तो आप अभी भी उसको टारगेट कर सकते हो। आज ही एक बच्चा आया था जिसकी 1,90,000 रैंक थी, और उसको भी वहां पर मिला हुआ था। सो आपको ये समझना होगा, अभी मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, चलो किसका देखना है, हमें DAV भी छोड़ देते हैं, अब इसके बाद हम एक और देखते हैं, JEC भी छोड़ देते हैं। जबलपुर में ये वाली एक ब्रांच है, अगर आपको मैक्रोटोनिक चाहिए होगी तो मैक्रोटोनिक, राइट, ये है मैक्रोटोनिक। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 3,400 कुछ पे गई हुई है, राइट, और आपकी रैंक क्या थी, 3,76,000, राइट, किस कैटेगरी की हो, जनरल ईडब्ल्यूएस। तो हम यहां पर देखते हैं, मतलब ये इंटरनली तक आप टारगेट कर सकते हो मैक्रोटोनिक, हाँ इंटरनली में आप टारगेट कर सकते हो इस ब्रांच को, चलिए हाँ आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हाँ। अब देखिए माधव में आ जाते हैं, अब माधव में देखिए, माधव में ये IT IoT ये ब्रांच आपको मिल जाएगी, IT की IoT यहाँ पर अभी गई है ये 1,62,000 पर, राइट, जो कि जाएगी यहाँ पर इसीलिए इंटरनली में 3 लाख तक, राइट। सो हाँ, और इसमें एक और है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट, मैं किसको बोलते हैं, ये ब्रांच आपको इजीली मिल जाएगी, राइट, अगर आप ये चाह रहे हो, बाकी तो सारी मिल ही रही है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सारी मिल जाएंगी, राइट, इसमें आपको मिल जाएगी EE IoT फिर से भी मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग में बस आपको और भी ऑप्शंस लेके चलना पड़ेंगे, इंटरनली जाना पड़ेगा, राइट, समझ गए। अब बताओ अब क्या, अब सर मतलब क्या करना चाहिए आपको,
तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर देना है ना, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए MITS की, तो तुम यही कर सकते हो फिर सती में यहाँ पर IT ले लो, CSIT में तुम्हें पढ़ाएंगे, CS में या IT में सती में, या आप ले लो AI में जाके रिपोर्ट कर दो। AI में रिपोर्ट कर दो, आप CSIT में पढ़ोगे, दैट्स वुड बी द बेटर ऑप्शन, और यही सबसे अच्छा है। दूसरा और जो यहाँ पर हो सकते थे ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सो LNCT साइंस का भी CS देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा वहाँ पर तुम, क्योंकि जैसे बोल रहे हो मैं ऑनलाइन कोर्सेज में हूँ, तो थोड़ा सा एक्सपोजर टाइप का भी तुम्हें मिल सकता है, राइट, वहाँ पर। और ओरिएंटल का, मेन का, CS, इन दो को इसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है कि यार मुझे गवर्नमेंट में माहौल आउल सही नहीं लग रहा है, सती का नहीं लग रहा है, तो इन दो को रख सकते हो, अदरवाइज दैट्स ग्रेट। बाकी इसमें पूरा मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, देखो जब भी आप प्लान कर रहे होते हो, राइट, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरा बैकग्राउंड आपको भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग की मुझे 200 से भी ज़्यादा कोर्सेज होते शायद पता, मोर देन 200, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिविल, पता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE, CS, IT, राइट। अब हम जब पूछेंगे आप बताओ 20 कोर्सेज बताओ जरा, 10 बता दोगे? तो 10 तो मैं आपको बता दूंगा कि CS के अंदर ही है भाई, उन्होंने क्या कर दिया, CS IT, CS इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, CS इन साइबर सिक्योरिटी, CS इन बिजनेस एनालिटिक्स, CS इन डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, राइट, से अलग अलग कर दिया, अब AI एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एनालिटिक्स, तो इसी को कॉम्बो कर दिया। अगर हम बात करें, मरीन इंजीनियरिंग भी होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग भी होता है, यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी होता है, पेट्रोकेमिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, तो आप जिस फील्ड में जाओगे, मतलब फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी होता है, बायोमेडिकल भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी होता है, सो मोर देन 200 इंजीनियरिंग है। मेरे पास वो नॉलेज है, दैट्स द रीजन आप देख भी रहे हो, आप यहाँ से इतनी दूर से चल के भी आ गए हो। तो ये जो CS वाली ब्रांच तुम लोगे ना, इसका मतलब है कि तुम किसी एक चीज में एक्सपर्टीज ले रहे हो, जावा, पाइथन, किसी भी एक लैंग्वेज में तुमने कर लिया, ब्लॉकचेन में, पाइथन की, बाकी में अभी बहुत डिमांड चल रही है, इंटरनेट से सीख के भी कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर टैलेंट नहीं लिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा बच्चे जाने वाले, ये यहाँ पर एक इरा था जब हम पढ़ा करते थे तो CS को कोई लेता नहीं था, राइट, हाँ, हमें सिविल मैकेनिकल लेते थे, सिविल मैकेनिकल, सारे दोस्तों में सिविल मैकेनिकल, तो एक CS वाला बंदा गया, राइट, क्या प्रिंसिपल के पास, सर मेरा फर्स्ट ईयर के बाद एक चेंज कर दो, मुझे सिविल चाहिए, कहले नहीं आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको सिविल दें, तो देट वॉज द कंडीशन, क्योंकि अभी आप एडमिशन ले रहे हो 22 में और निकलोगे कब, 26 में, राइट, जब 26 में निकलोगे ना पूरी भीड़ की भीड़ निकलना है। एक एस्टिमेटेड मैं बता दूं, जैसे LNCT है, LNCT में 1800 सीटें, राइट, 1800 सीटें हैं CS और CS से रिलेटेड की। अगर SIRT की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको 600-600 सीटें मिल जाएंगी, जब 600-600 सीटें, और इसमें अगर हम बात कर दें AI और दूसरी ब्रांचेज जोड़ दें तो और बढ़ जाएंगी, सिर्फ CS की बात कर रहे हैं। जब कोई कंपनी आती है किस उस कॉलेज में तो बोलेगी हमें यहाँ पर 100 लोग चाहिए, तो 1800 में कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, राइट, सो ये सारी चीज़ें, तो तगड़ा कंपटीशन है, जब आप निकलोगे तो तगड़ा है। और उसके लिए जैसे आप हंसमुख हो, बड़ा मज़ा आया तुमसे मिलके, लेकिन नॉलेज इज मस्ट, सो इंटर्नशिप करो, दूसरी एक्टिविटी करो, डेफिनेटली हो जाओगे। ये कॉलेज इतने ज़्यादा, इनको सिर्फ डिग्री के लिए मेरे हिसाब से कंसीडर करो, इस रैंक पे आप बहुत बेटर भी पैकेज उठा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज होगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाकी हम बने रहेंगे आपके साथ, मिलते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।